फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं सिवा सिविल अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, IBPS क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या sarkari.com से जाकर डाउनलोड कीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी बहस ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो आपका एक एडमिट कार्ड डाउन होता है एग्जामिनेशन का, उसके पहले भी एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेते हैं ये सर। उस ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि जिनको माउस नहीं पकड़ने आता है या जिनको कंप्यूटर की बेसिक्स नहीं पता है, उनमें थोड़ा सा वो गाइड करते हैं कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। उससे वो एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो कंप्यूटर को हैंड करने में, आप जो प्री एग्ज़ाम के पहले ट्रेनिंग होता है आप उसको कर लीजिए। जी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है, इसका एग्ज़ाम डेट है 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा है इसका एग्ज़ाम। बाकी कब तक होगा देखिए, 8 तारीख को है, 9 तारीख है, 15 और 16 तारीख है। तो इसका 4 दिन एग्ज़ाम है दोस्तों। और 4 दिन में आपका कब है आपको पता चल जाएगा जब आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और इसका जो मेन एग्ज़ाम है वो है आपका जनवरी में, 20 जनवरी 2019 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। काफ़ी कष्ट है, अगर आपने मिस किया इसको तो बहुत मुश्किल होगी दोस्तों नौकरी पाने में, क्योंकि कंपटीशन इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि किन चीज़ों को आपको कंसीडर करना है और किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है। अगर आप ज़रा सा भी लापरवाही की तो आप एक अच्छा मौका गवा सकते हैं और बाद में सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा आपको, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कीप फोकस ऑन योर स्टडी एंड कंटिन्यू व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम। तो देखिए, यहाँ से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक हमारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं, बाकी आपकी जो ज़रूरत है यहाँ से हम बता देते हैं आपको। देखिए, आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो हमें हिंदी सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जैसे हमने 1234 डाल दिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से अपना पासवर्ड जो है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो चलिए 9/12/1993 हमने ऐसे डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आप ये डालेंगे कैप्चा, जिसे बोलते हैं हम लोग KBPVN। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे गो में और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए दोस्तों। और हम
उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप हमेशा याद रखिए कि सीटें चाहे एक हों, चाहे 10,000 हों, चाहे 10 लाख हों, एक सीटें रहने पर भी आप फाइट अपने एक सीट के लिए ही करेंगे, तो आपका पर्टिकुलर एक सीट रहेगा। और 10,000 सीट रहने पर भी आप पर्टिकुलर एक ही सीट के लिए फाइट करेंगे, और 1,00,000 सीट होने पर भी आप पर्टिकुलर एक ही सीट पर फाइट करेंगे जो आपकी खुद की है। तो सीट कम रहने से, बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप क्या सोच रहे हो। आप कभी भी ये ना सोचो कि सीटें कम है यार, कंपटीशन बहुत हार्ड है यार, या मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा आपसे यार, पूछो तो ज़रा आपने आपसे, क्यों नहीं हो पाएगा आपसे। मैं बोल रहा हूँ, अगर 10 वैकेंसी है, 10,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 10 लोग तो वो 10 सीटों पर आएंगे ही ना, तो आप क्यों नहीं आ सकते हो। ठीक है, थिंक अबाउट इट। एंड तो इधर उधर की बातें ना करते हुए दोस्तों, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी बातें होती रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।